हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 और जेई एग्जामिनेशन जो आने वाला है, रेलवे की वैकेंसी उसमें जेई एग्जामिनेशन का, तो इसमें बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का और रेडियो टीवी मैकेनिक्स का होगा ये प्रश्न। टीवी मैकेनिक्स से इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, और डिप्लोमा जो जेई होल्डर है उनके लिए तो आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए ये पढ़ना होता है। माइक्रोवेव डिवाइस, तो माइक्रोवेव डिवाइस को आप समझ ही रहे होंगे। माइक्रोवेव बोलते हैं जिसकी वेव लेंथ 1 मीटर से कम होती है, और ये टोटल क्लास नंबर 26 है, जिसका 25 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो माइक्रोवेव डिवाइस में हम कौन कौन से डिवाइस की बात करते हैं, तो सबसे पहले वेव गाइड है। तो वेव गाइड नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं, और ये टॉपिक इतना टेढ़ा है कि आपको समझने में बहुत कठिनाई होता है, लेकिन इसके जो प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल होते हैं, उसमें गलती होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ये टॉपिक डिफिकल्ट होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं पूछा जाता, बिल्कुल आपको इजी से प्रश्न इसमें मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है। तो वेव गाइड कई बार पूछ देता है, तो ये आपका एक नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन जैसा होता है, कोक्सियल केबल होता है, उसी तरह का वेव गाइड भी है। फिर कैविटी रिजोनेटर है, वो ये भी काम आता है। उसके बाद माइक्रोवेव ट्यूब है, जिसमें क्रिस्टोन, TWT, मैग्नेट्रोन और इसी टाइप के बात करेंगे। और उसके बाद डायोड, जिसमें टनल डायोड, गन डायोड और इम्पैक्ट डायोड, और कुछ माइक्रोवेव एंटीना है, केवल उनका नाम जानेंगे, क्योंकि एंटीना की फंक्शन हमने पहले जान लिया है, तो केवल यहाँ नाम जानेंगे कि कौन से एंटीना किस में, खाली एंटीना माइक्रोवेव में कौन से एंटीना काम आते हैं उसके बारे में नहीं जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्रश्न नहीं देख सकते हैं, केवल हमने जो टॉपिक लिया है वो एक प्रश्न है, हर टॉपिक एक प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट डिटेल में नहीं गया हुआ है। तो सबसे पहले देखें माइक्रोवेव की बात करेंगे, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज आपसे पूछ देता है कई बार। तो सबसे पहले ये शुरुआत होती है 300 MHz, और कई जगह ये आपको 3 GHz लिखा हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ से शुरुआत होता है। इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऊपर की फ्रीक्वेंसी के टर्म में गीगाहर्ट्ज में रहेगा, और ये वेव लेंथ होता है 1 मीटर से कम। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ 3 GHz, तो एक है अल्ट्रा हाई, सुपर हाई और एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, तीनों के बारे में आपको पूछ दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पूछ दिया जाए, तो 0.3 GHz में, अगर मेगा में लिखेंगे तो 300 लिखना है, और से 3 GHz आपका होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की बात होगी, तो 3 GHz से 30 GHz तक, ये सुपर हाई में है। और एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बात किया जाएगा, तो 30 से लेके 300 GHz, ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की रेंज है। इसमें बैंड की बात होती है, एस बैंड, सी बैंड, कू बैंड, का बैंड, वो पहले हमने डिस्कस कर रखा है वीडियो में, आपने देख लिया होगा, तो ये तो आपका क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बात है कि ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को यूज क्या कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले रडार, रडार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और माइक्रोवेव में इसलिए यूज किए जाते हैं कि इसके जितने भी एंटीना होते हैं डायरेक्शनल ज़्यादा काम करते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में हाई फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी से काम करते हैं, जिससे आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ती है। तो एक हो गया रडार, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, तीसरा आपका सेटेलाइट कम्युनिकेशन जितने भी होते हैं सारा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल हीटिंग, हमने जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक किया था, जिसमें इंडस्ट्रियल हीटिंग 3 टाइप के पढ़े थे, इंडक्शन, डाईइलेक्ट्रिक और एक और था हीटिंग, तो तीनों इलेक्ट्रिक के पढ़ने के लिए हीटिंग में भी इसका यूज होता है, तो यूज आपको प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद रिसर्च में, और टेलीविजन फॉर रिले स्टेशन, जो लाइव रिले वगैरह होते हैं वो टेलीविजन में आपको माइक्रोवेव में होता है, लेकिन बाकी नॉर्मल टीवी का सिस्टम माइक्रोवेव में नहीं होता, तो लाइव या कह सकते हैं रिलेइंग सिस्टम में। तो ये यूज पूछ दिया सकता है, आपका यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4-5 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसकी वेव गाइड क्या होता है। तो वेव गाइड एक होलो पाइप होता है, ट्यूब होता है मेटल का,
सबसे पहले ध्यान दीजिएगा किसका ट्यूब होता है, मेटल का। बाकी में क्या हम बनाते थे, ट्रांसमिशन लाइन में केबल डालते थे, कोक्सियल केबल डालते थे, या सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ओपन स्पेस में छोड़ देते थे। लेकिन वहाँ क्या होती थी, नॉइज, नॉइज मिक्स हो जाता था आपके सिग्नल में, जिसके कारण से आपकी जो पर्पस है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, तो वेव गाइड उसको एलिमिनेट करता है। तो ये क्या है, मेटल की ट्यूब है। और मेटल कौन सा यूज लगता है, तो देखिएगा ब्रास और अल्मुनियम, पीतल और अल्मुनियम। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, वेव गाइड किस चीज़ का बना होता है, तो पीतल अल्मुनियम दो धातु हैं। और इसके अंदर जो एक प्लेट लगती है वो लगती है सिल्वर की यानी चांदी की। तो ये तीनों मेटल का आप नाम याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछता है कि वेव गाइड किसके तरह काम करता है, तो हाई पास फिल्टर। कई बार प्रश्न आ चुका है, तो वेव गाइड किस तरह काम करता है, हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर में क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है। अगर नीचे के रिजेक्ट कर दिया तो जितने भी नॉइज होते हैं, मैन मेड नॉइज, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और जितना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर है उसको पास होने देता है। तो वेव गाइड पूछे हाई पास फिल्टर। उसमें इसमें और एक बेनिफिट क्या है, हम जो नॉर्मल केबल डालते हैं उसमें हमारा सिग्नल किसके रूप में जाता है, वोल्टेज एंड करंट प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है, क्योंकि सिग्नल वोल्टेज करंट में जाता है। लेकिन वेव गाइड में ये सिग्नल बदल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये इसकी सिग्नल ट्रांसफ्यूज होती है, जिससे इसमें टी ई और टी एम मोड अलग अलग, टी 10, टी 01, इस टाइप के अलग अलग मोड होता है। तो टी ई से इलेक्ट्रिकल है और टी एम से आपका मैग्नेटिक है और टी से ट्रांजर्व है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी पूछ दिया जाता है कि इसमें सिग्नल जो ट्रांसमिशन होता है वो वोल्टेज या करंट रूप में होता है, तो नहीं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, ध्यान रखिएगा। तो ये चार टॉपिक यहाँ है, चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा किस मेटल का बना होता है, क्या मटेरियल होता है, और उसके बाद हाई पास फिल्टर और इसमें सिग्नल। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, क्यों प्रयोग करते हैं हम इसके लिए, तो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसको बनाना बहुत सिंपल है। एक आपको अल्मुनियम या ब्रास का हॉलो एक ट्यूब बनाना है, जिसमें आपको सारी सिग्नल बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा। तो यहाँ पे देखिए हाई पावर हैंडलिंग, एक केबल डालते हैं तो कहते हैं कि ये केबल 12 वोल्ट पे काम करेगा, 240 वोल्ट पे करेगा, 500 पे करेगा, लेकिन इसमें लिमिटेशन नहीं है, ये हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोअर लॉसेस, सिग्नल लॉसेस बिल्कुल कम हो जाता है इसके द्वारा। उसके बाद इंक्रीज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, एक हमने केबल डाल दिया तो कहते हैं कि केबल में हम 50 हर्ट्ज से ज़्यादा डालेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन ये कॉक्सियल केबल है तो उसमें मेगा हर्ट्ज में जा सकता है, लेकिन वेव गाइड में आप फ्रीक्वेंसी को गीगा हर्ट्ज में आराम से ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ही केबल काम करता है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है, हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। उसके बाद गाइडेड वेवलेंथ की एक फार्मूला पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट बिल्कुल एकदम ये प्रश्न आ जाएगा, गाइडेड वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, तो ये आप याद रखिएगा, लेमडा जी बाई डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस, ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें तीनों चीज़ का क्या है, इस टर्म को वाई जी को बोलते हैं गाइडेड वेवलेंथ, इसे बोलते हैं फ्री स्पेस वेवलेंथ, यानी जो लाइट की स्पेस होती है फ्री स्पेस में उसकी वेवलेंथ, और उसके बाद जिस जो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ है, कहें हमने पहले बात किया है कि बैंड हाई पास फिल्टर है, कौन सा फिल्टर है, हाई पास, उसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को कह रहा है वेव लेंथ के टर्म में, और वेव लेंथ का टर्म आपको यहाँ पे यूज करना है। तो डायरेक्ट आप आईटीआई लेवल पे ये फॉर्मूला खाली याद रखिएगा, इससे ही आपको प्रश्न आएगा, इसका न्यूमरिकल नहीं आता, तो वाई जी बराबर ये टर्म। उसके बाद इसमें होता है मोड ऑफ ऑपरेशन, तो मोड और ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, डिप्लोमा डिग्री में पढ़ना होता है, लेकिन टी ई और टी एम, ई से इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा, और टी एम से मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्रांजेशन बल्क के ट्रांजर्व डायरेक्शन में होगा। तो ये मैग्नेटिक
एम से मैग्नेटिक और ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा। वोल्टेज करंट यहाँ टर्म यूज नहीं कर दीजिएगा, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। इसमें बहुत आराम आराम से प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको करने में यहाँ कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बस याद करना है। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, इसमें कैविटी रिजोनेटर, बस ध्यान रखिएगा। इसमें तीन पॉइंट है और तीनों पॉइंट याद रखना है। पहला, ये किसके तरह करता है, बैंड पास के फिल्टर की तरह। वेवगाइड कैसा था, हाई पास फिल्टर की तरह, तो ये बैंड पास फिल्टर की तरह है। और बैंड पास फिल्टर क्या करता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दो होते हैं, उससे नीचे की रिजेक्ट कर देगा, उससे ज़्यादा आएगा तब भी रिजेक्ट कर देगा। अगर हम कहें कि हमारे पास तीन गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी यूज करना है, तो 3 से नीचे यानी 2.9 फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, 5.1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, केवल पास होगा इसमें 3 से 5 गीगाहर्ट्ज़, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें दूसरी टॉपिक है, क्यू हाई होता है, क्यू क्वालिटी फैक्टर इसका हाई होता है, 20,000 तक होता है कैविटी रिजोनेटर का। और तीसरा क्या होता है, ट्यूनेड फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर में यूज होता है। ट्यूनेड सर्किट आपने पढ़ा था, नॉर्मल में हम ऑसिलेटर में ट्यूनेड सर्किट क्या पढ़े थे, LC सर्किट पढ़ते थे, कार्टले हार्टले इस टाइप के ऑसिलेटर पढ़ते थे, लेकिन माइक्रोवेव में ये बढ़ जाती है इसके रेंज, तो इसमें ये ऑसिलेटर के रूप में काम करता है। उसके बाद माइक्रोस्ट्रिप, ये भी इम्पोर्टेंट है, बस एक लाइन का। कोक्सियल केबल लाइन ऑन प्रिंटेड इन सर्किट, प्रिंटेड सर्किट में जैसे आपने इलेक्ट्रिकल में IC पढ़ा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसी तरह ये कोक्सियल केबल जो अपना ट्रांसमिशन लाइन का उसके प्रिंटेड वर्जन है, जिसको माइक्रोस्ट्रिप बोलते हैं। और ये एम्पलीफायर ऑसिलेटर और माइक्रोवेव डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह उसी पे लगाए जाते हैं, तो ये माइक्रोस्ट्रिप बोलते हैं, और ये कम्युनिकेशन का हाई लेवल पार्ट है। तो केवल बस ये रखिएगा कि ये पहले IC होता है इलेक्ट्रिकल में, उसी तरह माइक्रोस्ट्रिप होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद हम इसमें आगे टॉपिक में देखेंगे, बस छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब, अभी तक हमने ट्रांजिस्टर, डायोड, फीट, मॉस्फेट वगैरह पढ़ते थे, और उसी को पढ़ के हमने अभी तक सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन माइक्रोवेव में भी इसके डायोड, एम्पलीफायर वगैरह होते हैं। तो ये जितने भी हैं एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये वैक्यूम ट्यूब में होते हैं। तो इसमें करंट डेंसिटी मॉडुलेशन इलेक्ट्रॉन बीम के पर काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा, करंट डेंसिटी मॉडुलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब का काम है, इस पर्पस पे काम करता है। तो ये प्रॉपर्टी है, उसमें पहला है क्लीस्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले पूछ दिया जाता है कि क्लीस्ट्रॉन क्या है, तो यहाँ बताना है, देखिए एक प्रकार का थर्मोनिक कैथोड जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम निकालता या छोड़ता है, जो दो लगातार कैविटी से होकर गुजरता है। तो पूछ दिया जाएगा, ये सवाल नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि बंचर क्या होता है और कैचर क्या होता है। तो बंचर कैचर किसका पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, क्लीस्ट्रॉन का। सिंपल सा, इसका फंक्शन बहुत डीप में नहीं जाना है। बंचर और कैचर किसका पार्ट है, क्लीस्ट्रॉन का, और क्लीस्ट्रॉन क्या है, माइक्रोवेव एम्पलीफायर है। तो दो प्रश्न यहाँ से आने की संभावना इस टाइप से बनेंगे, तो बस आप याद रखिएगा, इसका फंक्शन में जाएंगे तो बहुत गहराई हो जाएगी, और आता भी नहीं बहुत लोगों को, हमें भी नहीं आता और डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैग्नेट्रॉन पूछ दिया जाए, तो पहले हमने क्या पढ़ा, एम्पलीफायर है क्लीस्ट्रॉन, तो मैग्नेट्रॉन क्या है, ऑसिलेटर है, लेकिन साथ में हमेशा देखिएगा माइक्रोवेव लगाना है, क्योंकि अगर ऑसिलेटर बोलते हैं तो सब कोई LC टैंक सर्किट, RC टैंक सर्किट वगैरह में आ जाएंगे, लेकिन माइक्रोवेव लगाइएगा तो यहाँ पे मैग्नेट्रॉन क्लीस्ट्रॉन होता है, और इसमें एनोड और उसके साथ कैथोड, हीटेड कैथोड होता है, गर्म कैथोड। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के भी ध्यान दीजिएगा, टॉपिक इलेक्ट्रॉन के स्पीड को घटाने और बढ़ाने को वेलोसिटी मॉडुलेशन कहते हैं। और कई बार ये प्रश्न मैंने डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसे दिया हुआ रहता है, वेलोसिटी मॉडुलेशन किस में प्रयोग किया जाता है, तो सीधा आपको लगाना है मैग्नेट्रॉन। बस मैग्नेट्रॉन क्या है, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर,
माइक्रोवेव ऑसिलेटर, माइक्रोवेव एम्पलीफायर, तो आपको टिक करना है माइक्रोवेव ऑसिलेटर। ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑसिलेटर नॉर्मल भी लिखा हुआ रहता है प्रश्न में कई बार, कई बार डायोड भी रहेगा, ऑप्शन अलग अलग होते हैं। उसके बाद रडार में ये यूज होता है मैग्नेट्रॉन, तो ध्यान दीजिएगा क्रेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर। उसके बाद अगले हम में टॉपिक में चलेंगे ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, जिसको TWT, बहुत सारे प्रश्न इससे भी आते हैं। तो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब केवल पूछ दिया जाए तो खाली ये बताना है वाइड बैंड डिवाइस है, यानी पहले हमने पढ़ा एम्पलीफायर, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन को पढ़ा, ऑसिलेटर उससे भी बड़ा डिवाइस है, और इसमें कहते हैं लीनियर एम्पलीफायर और माइक्रोवेव इन सेटेलाइट कम्युनिकेशन। एम्पलीफायर को भी ये डिफिकल्ट टाइप के, कॉम्बिनेशनल टाइप का है, जिसमें बहुत सारे ये टॉपिक है, ये टॉपिक डायरेक्ट याद आते हैं, जिसमें TWT में का पावर गेन क्या होता है, तो 60 dB है, फिर पावर आउटपुट क्या होता है, तो 10 kW। समझ सकते हैं एक एम्पलीफायर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 10 kW कितनी बड़ी एम्पलीफायर है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद इफिशियंसी 20 से 40%, बैंडविथ 0.8 GHz, बहुत बड़ी बैंडविथ भी है ये। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कब तक यूज होता है, 3 GHz तक, ध्यान दीजिएगा ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका है क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर यहाँ तीन हो गए, तीनों डिवाइस को याद रखिएगा, तो इसको पहले क्रॉस CFA लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्ट, और यहाँ TWT लिखा हुआ मिलेगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाएगा। क्या है TWT, क्या है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब है। उसके बाद CFA क्या है, क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर है, तो ए भी एम्पलीफायर, ए भी एम्पलीफायर, साथ में आपका क्लिस्ट्रॉन भी एम्पलीफायर, केवल मैग्नेट्रॉन आपको मिला है वो ऑसिलेटर है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी टॉपिक आ सकता है आपका एक इम्पोर्टेंट। और इसकी विशेषता क्या होती है, पावर गेन 20 dB है, इफिशियंसी देखिए पहले वाले के की इफिशियंसी 20 से 40% था TWT का, तो क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर की इफिशियंसी 70% है। पावर आउटपुट हैंडलिंग 400 kW तक, ये तीन अलग अलग कैपेसिटी में रहता है, तीनों की अलग अलग है, तो तीनों की हम ध्यान में नहीं रखते हुए एक की बात कर लें, नहीं तो अगर तीनों की बात करने चाहेंगे तो UA फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, तो 10 MW तक पावर ये हैंडलिंग कैपेसिटी है, मेगावाट ध्यान दीजिएगा, किलोवाट नहीं। उसके बाद अगर ये इससे कम में करता है तो 1 MW तक इसके 10 GHz फ्रीक्वेंसी पे यूज है, और उसके बाद 400 kW यूज होता है, तो एस बैंड में होता है, एस बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो इस टाइप के टॉपिक को आप ध्यान रखिएगा, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जितने भी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के डिवाइस है माइक्रोवेव में वो सारा होते हैं। और किस में यूज होता है, रडार एम्पलीफायर में, और TWT सेटेलाइट कम्युनिकेशन के एम्पलीफायर में, लीनियर एम्पलीफायर में, तो ये दोनों टॉपिक याद रखना है। उसके बाद अगले टॉपिक में चलेंगे, बस डायोड वाला है, माइक्रोवेव डायोड, तो माइक्रोवेव डायोड में टनल डायोड, तो टनल डायोड आपने सुना ही होगा टनल डायोड के बारे में, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन ये टनल डायोड आपके माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब का ही पार्ट है, जिसमें देखिए पहले थिन जंक्शन डायोड इसे बोलते हैं, बहुत पतला जंक्शन होता है इसमें टनल डायोड में, यानी डोपिंग लेवल क्या होती है, हाई होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सेमीकंडक्टर में डोपिंग होता है ना, लो मीडियम और हाई, तो सबसे हाई डोपिंग होती है। उसके बाद कह रहा है लो नॉइज, बिल्कुल इसमें नॉइज कम है, मतलब आपका सेमीकंडक्टर डायोड नॉर्मल होता है डायोड, उसमें नॉइज ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि माइनॉरिटी और मेजोरिटी कैरियर दोनों होता है, तो यहाँ पे केवल मेजोरिटी कैरियर से होता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक आ जाएगा नेगेटिव रेजिस्टेंस फॉर लो फ्रिक्वेंसी बेस, नेगेटिव रेजिस्टेंस इसमें होता है इसके टर्म में, और जितने भी ये डायोड है करीब करीब नेगेटिव पे ही काम करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिट टाइम शॉर्ट, बहुत शॉर्ट टाइम में ट्रांजिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यूज फॉर माइक्रोवेव एंड स्पेस वर्क, ध्यान दीजिएगा माइक्रोवेव के लिए यूज होता है और स्पेस वर्क के लिए यूज होता है ये टनल डायोड। उसके बाद गन डायोड, इससे भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बल्क सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है गन डायोड, इसको ध्यान रखिएगा। तो
तो बल्क डायरेक्ट याद रखना, बल्क सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसका मटेरियल किस में डोपिंग होता है, तो सिलिकॉन का केवल बनता है। जितना भी माइक्रोवेव डिवाइस है, इवेन आपका एसीआर जो थायरिस्टर से शुरू होता है, तो जर्मेनियम केवल आपको बीजेटी तक सीमित है, ध्यान दीजिएगा, बीजेटी तक। मॉस्फेट में भी थोड़ा बहुत यूज होता है, उसके बाद जितने भी हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी वाले आते हैं उसमें केवल सिलिकन यूज होता है। तो यहाँ भी देखिए सिलिकन है, सिलिकन के साथ गलेनियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फेट डोपिंग करने से बनता है गन डायोड। तो ये याद रखिएगा, GaAsInP, और साथ में वो सिलिकन में डोपिंग होगा। इफिशियंसी बहुत कम होता है गन डायोड का, 2.5 से 5% मैक्सिमम। तो ये सारे टॉपिक है, जितने एक एक पॉइंट है सारे प्रश्न है, और इस प्रश्न को ध्यान से देखते जाइएगा। तो ये मटेरियल है, बल्क इफिशियंसी है, और इफिशियंसी इसकी टोटल 2.5 से 5% तक है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट डायोड, ये भी एक प्रश्न आता है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस और कहाँ तक यूज हो सकता है, 50 GHz फ्रिक्वेंसी तक। तो आप सपनों में सोचिए कि 50 GHz फ्रिक्वेंसी कितनी होती होगी, जब कंप्यूटर की फ्रिक्वेंसी 2 MHz होती है, और यहाँ GHz की बात कर रहा है, 50 GHz पर इम्पैक्ट डायोड काम करता है। तो बस यहाँ से दो प्रश्न दोनों का तैयार रखिएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस और हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई, एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज होता है। उसके बाद ट्रैप डायोड, तो ट्रैप डायोड भी नेगेटिव रेजिस्टेंस पे काम करता है, इसकी इफिशियंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, 30% तक, और ये अंडर टेस्ट एंड लेबोरेटरी में इसका डायोड के साथ साथ एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के लिए भी इसको काम किया जा रहा है, कि ऑसिलेटर और एम्पलीफायर बनाया जाए, और ये उसके लिए सुटेबल है। उसके बाद कह रहा है कि एयरबोर्न और मैरीन रडार में ये यूज किया जाता है ट्रैप डायोड। उसके बाद एक छोटी सी टॉपिक और है, नया नंबर MMIC, इसका फुल फॉर्म नाम आप याद रखिएगा, MMIC स्टैंड फॉर लिख देगा, आपको बताना है ये क्या स्टैंड करता है। तो मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट, IC में आपने बोला ना इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो वही इंटीग्रेटेड सर्किट IC है, लेकिन MM क्या है, मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, बहुत स्मॉल साइज होता है, IC आपने देखा ही होगा स्मॉल साइज होता है, लाइट वेट होता है, लो कॉस्ट होता है, हाई रिलायबिलिटी होती है, इसकी विश्वसनीयता और काम करने में ज़्यादा रिलायबल होता है। उसके बाद थोड़ी सी एंटीना वाला टॉपिक, ये एंटीना केवल याद रखिएगा कि कौन कौन से एंटीना माइक्रोवेव एंटीना है, बस। इसके बाद आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखा है एंटीना में, तो प्रॉपर्टी वो सेम रहेगी, तो हमने एंटीना का चैप्टर अलग से कर रखा है, वो आप इसी सीरीज में देख सकते हैं जाके। तो उसमें आप देखिए, हॉर्न एंटीना है, लेंस एंटीना है, हेलिकल एंटीना है, डिस्कोन एंटीना है, लॉन्ग पीरियोडिक एंटीना है, ये सारे एंटीना क्या है, माइक्रोवेव एंटीना है, और माइक्रोवेव पे काम करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी आपने पीछे जाके देख लीजिएगा इसमें, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा इसके बेनिफिट क्या क्या है, माइक्रोवेव एंटीना का बेनिफिट क्या है, स्माइल साइज, यानी कह सकते हैं लेंस एंटीना वगैरह बिल्कुल छोटे से स्माइल साइज होते हैं। दूसरा, इसकी पावर गेन हाई है। तीसरा, डायरेक्टिव एंटीना इसमें यूज होता है, कुछ एंटीना इसमें से यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल भी है, लेकिन सबसे बढ़िया बेनिफिट अगर लेना है माइक्रोवेव का, तो एंटीना क्या होना चाहिए, डायरेक्टिव होना चाहिए, और माइक्रोवेव की लो फ्रिक्वेंसी रेंज में यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल एंटीना यूज हो किया जा सकता है। तो ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो ये टॉपिक वीडियो का 26 नंबर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, माइक्रोवेव डिवाइस, और मैंने इसमें इसलिए कंप्लीट करा दिया कि डायरेक्ट अगर आपसे लिख दिया जाए कि TWT क्या होता है, तो आप ब्लैंक नहीं रहें, थोड़ी सी आपको आइडिया रहे कि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब होता है, क्लेस्ट्रॉन क्या होता है, मैग्नेट्रॉन क्या होता है, आपका माइक्रोवेव डिवाइस में वेव गाइड क्या होता है, कैविटी रेजोनेटर क्या होता है। तो वेव गाइड को ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर, कैविटी रिजोनेटर को बोलते हैं आप, बैंड पास फिल्टर, और क्लेस्ट्रॉन क्या है, एम्पलीफायर है, TWD क्या है, एम्पलीफायर है, मैग्नेट्रॉन क्या है, ऑसिलेटर है, और सारा माइक्रोवेव पे है। टनल डायोड क्या है, आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रखने वाला थिन लेयर डायोड है, इसकी इफिशियंसी
कम होती है टनल डायोड के, लेकिन इसकी नॉइज बहुत कम होता है। उसके बाद गन डायोड की बात किए थे तो गन डायोड की एफिशिएंसी 2.5 से 5 तक होती है, और ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में यूज हो रहा है। साथ में इम्पैक्ट डायोड है, इसकी एफिशिएंसी 30% तक है। उसके बाद ट्रैप डायोड है, तो ये सारे माइक्रोवेव के डिवाइस है। तो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक आपको केवल याद रहना चाहिए, और याद रहेगा तो इससे प्रश्न आएगा तो आसानी से बन जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।